अल्लाह वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लाग कैसे हैं आप सब लोग तो जी लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं घर वापस आ गई थी और आज के ब्लॉग में मैं आपको यही शेयर करूंगी. तो ज, जिस दिन मैं घर आई थी ना उसके अगले दिन ही हस्बैंड ने भी आना था तो बस मैंने जो है कमर कस ली थी क्योंकि मेरे बहुत सारे काम ऐसे थे जो मुझे करने थे उनके आने से पहले तो फिर मैं वन बाई वन वही कर रही थी सबसे पहले तो ना मुझे करनी थी अपने रूम की डस्टिंग क्लीनिंग और जब मैं आई थी ना वापस तो मेरे वॉशरूम में भी ना हर जगह बेसन पे वैनिटी पे एक जो है मकड़ी के जाल से बने हुए थे क्योंकि मेरे ना होते हुए ना मेरे रूम में कोई आयात आता ही नहीं था बस सफाई के लिए स्वीपिंग एंड मोपिंग तो होती थी पर डस्टिंग नहीं होती थी और दूसरा वॉशरूम में भी कोई नहीं आ जाता था तो वहाँ पे भी ना मकड़ी के जाले वगैरह लग गए थे तो मुझे काफ़ी सारे काम थे जो कि करने थे क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हस्बैंड ने भी आना था तो और उसके बाद ना मैंने नाश्ते वगैरह से फ़ारिंग होने के बाद ही मैं अपने कामों में लग गई थी तो यहाँ मैं ना ये वाला जो कैबिनेट ना जिसमें मैं ये वाले बर्तन अपने रखती हूँ तो उसको पहले मुझे अरेंज करना था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना आ, ऐसा हो रहा था कि अरेंज करने वाला आता तो मैंने कहा चलो ये करती हूँ नाश्ते से तो ये विंडो जो नज़र आ रही है ना आपको ये मेरे रूम के विंडो है और ये इसका बाहर का हिस्सा मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ तो इधर भी बहुत सारे जाले लगे हुए थे अच्छा ये विंडो तो मुझे ना सर्फ से सर्फ़ के पानी से स्पंज से इसको साफ़ करके धोनी है लेकिन इतना टाइम भी मेरे पास था नहीं क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम आज के दिन करने थे तो जस्ट मैंने ना इसको झाड़ू की मदद से ना सारे जाले इसके झाड़ दिए थे और अब मैं किसी दिन जो है जल्द ही मैं ये काम करूँगी कि सर्फ के पानी से इस पूरी विंडो को मैं वॉश कर दूँ किस पंच की मदद से और ये देखें। ये है मेरे वॉशरूम के डोर और इसका हाल देखें आपके दस दिन नहीं होने से जो है कोई आया ही नहीं तो कि, कितना ज़्यादा जो है ना मेरे रूम में कोई आया भी नहीं होगा तो इस वजह से इतने ज्यादा जाले यहाँ नजर आ रहे हैं वॉश अंदर वॉशरूम की भी मैं सारे जाले साफ करूँगी और मैंने वॉशरूम को तो पूरा डीप क्लीन किया था सारे टाइल्स जो हैं मैंने वॉश किए थे जो नीचे वाला फ्लोर वाले भी टाइल्स वॉश किए थे और जो दीवार पर लगे हुए हैं वो वाले टाइल्स ज मैंने वॉश किए थे वॉशरूम की हर एक चीज़ बाल्टी मग्गा, पटरा हर चीज़ ईच एंड एवरी थिंग मैंने वॉश की थी तब जाके मुझे सुकून मिला था और मुझे सेटिस्फेक्शन हुई थी तो बस यहाँ पर मैंने ना लेकिन सब चीज़ों की वीडियो बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता और साथ में किस्वा के भी रोने धोने चल रहे थे तो इसलिए मैंने हर चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं की मगर जितनी भी हो सकी ना मैंने आप लोगों के साथ उसको रिकॉर्ड किया है और आप लोगों से शेयर किया है तो पहले मैंने सारे ना दीवार के जो भी थे झाड़ दिए थे उसके बाद मैंने जो है इसको वॉश किया था तो यहाँ पर भी मेरे ये सारे काम चल रहे हैं ये करने के बाद फिर मैं रूम की भी सारा फर्नीचर मैंने साफ़ करना था और मेरा फर्नीचर जो है ना रूम का बहुत ज़्यादा सफ़ाई वाला है मतलब इसमें जो डिज़ाइनिंग बनी हुई है ना तो बहुत ज़्यादा उसको सफ़ाई करनी पड़ती है अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा फ़र्नीचर किस तरह का है यहाँ पहले मैं अंदर से भी विंडो को गीले कपड़े से मैंने साफ़ किया था इसको पहले सूखे कपड़े से साफ़ किया था फिर मैंने गीला कपड़ा लेके सर्फ़ वाला उससे मैंने इस पूरी विंडो को साफ़ किया था तो जी ये मेरा फ़र्नीचर अब मैं साफ़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाला मेरा फ़र्नीचर है मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगी कि अगर आप लोगों को सफ़ाई का कब देना तो प्लीज़ आप लोग ऐसे डिज़ाइनिंग वाला फ़र्नीचर ना लिया करें और मैं भी बहुत जलना इसको चेंज करूंगी क्योंकि मैं जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी सफ़ाई मुझे इसकी करनी पड़ती है और बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाता है तो जो है मैंने अपने फ़र्नीचर की पिक कोईलक्स पर डाली हुई है तो अब देखते हैं कि मैं कब बाई करती हूँ न्यू फर्नीचर और यहाँ तकरीबन हो गया था मेरा सारा काम के बाद फिर मैंने यशवा को भी रेडी कर दिया था क्योंकि यशवा का ट्यूशन का भी टाइम हो रहा था तो मैंने इनको भी रेडी किया और किसवा को मैंने थोड़ा सा लेट रेडी किया था इसके बाद रेडी शेडी करने के बाद मैं चली गई थी किचन में फिर मुझे खाने वाने का देखना था तो मैंने पहले डिसाइड किया था मेन्यू में ना कि चिकन पुलाव विद शामी कबाब और चिकन टिक्का बनाऊँगी लेकिन फिर मदर इन लॉ से जब डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि कोफ्ते बना लूँ तो फिर कोफ्ते बना रही ली और यहाँ पर मदर इन लॉ इनलोना बोनलेस लेकर आई थी तो उसको मैं मुझे पीसना था और मैंने जो है ये वाला काम सिल भट्टे किया था और ये खशखश चने और गरम मसाले का पेस्ट है जो नजर आ रहा है आपको प्लेट में और साथ ही ये कीमा भी मैंने सिल पे पीसा है और बड़े जो है ना इसमें टाइम टेकिंग काम हो जाता है कोफ्ते बनाना ना थोड़ा सा आ, अगर आपने इसको चॉपर नहीं करना है तो सिल पे करना है तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग और मेहनत तलाब काम है लेकिन टेस्ट भी बहुत अच्छा फिर आता है और ना तो बस यहाँ पर मैंने ना पूरी प्रॉपर रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अब मैं काम कर रही थी क्योंकि हस्बैंड ने आ जाना था तकरीबन साढ़े सात बजे लेकिन और मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो कितनी लेट आए थे तो यहाँ ना मैं जल्दी जल्दी में लगी हुई थी कि मैं किचन से फ़ारिव हो जाऊँ उसके बाद मैं मैं भी फिर शावर ले लूँ और ना मौसम भी एकदम से चेंज हो गया था आ, ऐसा लगा था बस सर्दी आ गई हस्बैंड अपने साथ ना बलोचिस्तान से सर्दी लेकर आए मैं उनको एक है भी दी थी कि यहाँ मैंने दिक्कत की मैरिनेशन करके भी रखी हुई और गर्म मसाला ये देख रहे हैं ये साबुत गर्म मसाला है हम लोग बाज़ार से पिसा हुआ गर्म मसाला नहीं यूज़ करते हमारे घर गर साबुत गर्म मसाले को कूट कर ही सालन में ऐड डाला जला डाला जा डाला जाता है तो बस अब हाँ मैंने शावर ले लिया था और जब मैं शावर लेके आई हूँ ना तो फिर मैंने फ़ैन वग़ैरह बंद कर दिया क्योंकि मुझे सर्दी लगने लग गई थी और मेरे फिर बाद में बॉडी में भी इतना ज़्यादा पेन हुआ पूरी रात में सो नहीं पाई सही से क्योंकि मैंने बहुत लेट शावर लिया और ठंडा पानी था काफ़ी तो बहुत ज़्यादा ना मुझे पेन हुआ बाद में और मैंने कहा कि मौसम को भी आधी चेंज होना था तो बस फिर मैंने शार वग़ैरह लिया थोड़ा सा मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था मैंने थोड़ा सा मेकअप किया था बेसिक सा मतलब मैंने ऐसे क्रीम श्रीम मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ही लगाने के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया था ब्लश ऑन ये वाला जो नज़र आ रही है मेरी बहन ने दिया था इसको भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लगाया था आज और साथ में ही लिपस्टिक का कलर बहुत ही प्यारा है और लक्की भी बहुत प्यारा लगता है एकदम से ना आपके फेस पे जान सी आ जाती है थोड़ा सा डार्क कलर है तो मैंने ये वाला कलर लगाया था और काजल लगाया था मस्कारा लगाया था दैट्स सेट बस इतना सा मेरी तैयारी थी और बच्चों को भी फिर मैंने किस को भी रेडी किया हुआ था और तो यहाँ पे आपको ना इसका कलर शो करवा रही हूँ कैमरे में इतना अच्छा फिर भी नहीं आ रहा था तो बस यहाँ पर मैंने काजल वगैरह लगा के आँखें बहुत प्यारी लगती हैं काजल लगाने से बस यहाँ पर ये यह हो गया था उसके बाद जी हस्बैंड ने आ जाना था मैंने थोड़ी सी खुशबू वगैरह कर दी थी रूम में और एयर फ्रेशनर से तो फिर बस हस्बैंड आए थे और किसवा का रिएक्शन किसवा का रिएक्शन देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी क्योंकि किसवा ने जब अपने बाबा को देखा था ना तो बस उसको रोना आ गया था और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि किसवा इस तरह से रिएक्शन देगी तो बस अब मैंने खाना लगा दिया ये है फ़ाइनल लुक और फ़ाइनल लुक की भी जल्दी में मैं कोई पिक्चर नहीं बना पाई हूँ तो मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़